बावन खेड़ी गांव की खलनायिका शबनम इन दिनों जेल में अपने दिन गुजार रही है, लेकिन एक वक्त वो भी था जब शबनम ऐश के दिन गुजारा करती थी। उस समय शबनम के नाम पर कोई डरता नहीं था, शबनम ने कोई अपराध नहीं किया था, वो अपने माँ बाप की लाडली थी और उसकी हर एक मांग उसके माँ बाप पूरा करते थे, लेकिन शबनम ने उन्हीं को मार दिया। शबनम की तमाम ख्वाहिशें आज भी अधूरी रह गई हैं। शबनम की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि उसके बेटे का नाम बदल दिया जाए। जब उसने अपने बेटे को उस्मान को गोद दिया था तो ये शर्त शबनम ने रखी थी कि उसके बेटे का नाम बदल दिया जाए ताकि उसकी परछाई भी उसके बेटे तक ना पहुँचे, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। उस्मान का कहना है कि उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उसके बेटे का नाम बदला जाए, हालांकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर उसका नाम बदल देगा, लेकिन आज तक ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो वहीं शबनम ने अपने बेटे को गोद देते वक्त दूसरी शर्त ये रखी थी कि उसके बेटे को कभी बावनखेड़ी गांव ना ले जाया जाए। आज तक उसका बेटा कभी भी बावनखेड़ी गांव नहीं पहुंचा है, क्योंकि शबनम चाहती थी कि जहां पर उसने इतना बड़ा जघन्य अपराध, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा कांड किया है, वहां उसका बेटा ना जाए, उस गांव की परछाई से भी उसका बेटा दूर रहे, उस गांव में उसके कदम ना पड़े जहां से शबनम ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल शबनम इन दिनों जेल में है और उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी एक दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित है और इसलिए अभी फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो पाई है। तो ये थी शबनम की वो दो बड़ी ख्वाहिशें। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।